हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है बटर चिकन। घर पे बटर चिकन बहुत ही आसानी से बन जाता है, तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं। बटर चिकन बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम्स चिकन, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने दालचीनी लिया है 2 से 3, हरी इलायची 3 से 4 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च, अनियन चॉप्ड 2 मीडियम साइज, 1 टमाटर चॉप्ड, कसूरी मेथी, ये तंदूरी चिकन मसाला, बटर, ये दही जिसका मैंने पानी निकाल लिया है, नमक, रिफाइंड ऑयल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटो प्यूरी, ये काजू का पेस्ट, फ्रेश क्रीम लेंगे, शुगर लेंगे, चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले हम चिकन को दही 1 बड़ा चम्मच डाल के मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, तंदूरी चिकन पाउडर, नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसे कवर करके 10 से 20 मिनट रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इसे अब फ्राई कर लेते हैं। पैन में बटर डालेंगे, चिकन पीसेस डालेंगे और इसे अच्छे से पलट के कुक कर लेंगे। हमारा चिकन अब कुक हो चुका है, तो इसे अब निकाल लेते हैं। पैन में ऑयल डालेंगे, जीरा, गरम मसाला, अनियन। अनियन को हल्का भून के इसमें हम टमाटर डालेंगे, टमाटर, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सभी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुक कर लेंगे। ये कुक हो चुका है लगभग। अब इसे ठंडा करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए हमारा कितना स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। अब फिर से बटर डालेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। काजू के पेस्ट 3 से 4 बड़े चम्मच अच्छे से मिक्स कर लीजिए। टोमेटो प्यूरी,
इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्राइंड किया हुआ मसाला डालेंगे। लगभग आधा चम्मच चीनी डालेंगे। इससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाता है। फ्रेश क्रीम डालेंगे 2 बड़े चम्मच। लगभग आधा चम्मच बटर और डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चिकन डाल देंगे। इस तरह हिलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे। कसूरी मेथी डालेंगे। इस तरह हाथों से इसे मसल के डालिए। और हमारा बटर चिकन अब तैयार है, तो इसे फ्रेश क्रीम से गार्निश कर लेंगे। और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।